हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का D3 का सब्सक्रिप्शन अब इन्होंने जा रहा, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन कितना देखने को मिला, दो दिन में जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 13 सितंबर को ओपन हुआ था और 18 सितंबर को क्लोज किया जाएगा। 4 डे आईपीओ है और 492.88 करोड़ का बुक बिल्ड इशू है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू, 2.33 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, 92.88 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 54 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 19 सितंबर का, 23 सितंबर का लिस्टिंग डेट है। बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 163 to 172 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 87 शेयर्स की लॉट साइज। जीएम फिनेंशियल, कोटक महिंद्रा कैपिटल लीड मैनेजर, लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 99.99% का। एंकर इन्वेस्टर्स 147.86 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी QIB से 0.03 टाइम का बहुत ही लो सब्सक्राइब, कोई सब्सक्राइब वैसे देखने को नहीं मिला है। HNI से 5.62 टाइम का, रिटेल से 7.84 टाइम का। HNI और रिटेल से ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 5.13 टाइम का सब्सक्राइब है जो कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला, जिसमें से 10 और रिटेल, HNI और रिटेल में सिर्फ सब्सक्राइब किया गया जबकि QIB से सब्सक्राइब नहीं किया गया। GMP की बात करेंगे तो 56 रुपीज का GMP ट्रेंड कर रहा है, 32.5% की एक अच्छी लिस्टिंग मिले, एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। बिजनेस की बात करें, मार्च 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। मल्टी मॉडल रेल फोकस्ड 4PL एसेट लाइट लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो कि फुल्ली कस्टमाइजेबल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, जो कि एक कंपासिंग है रोड रेल वाटर एयर ट्रांसपोर्टेशन, और टेलर करती है रेंज ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज, ये सभी ऑफर कर रहा है। कंपनी अलग अलग सेक्टर्स जैसे मेटल्स हो गया, FMCG, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, रिटेल, इन सभी सेक्टर्स में ऑफर कर रहा है। और इसके क्लाइंट की बात करें तो टाटा स्टील है, हिंडालको है, जिंदल स्टेनलेस है, JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स है, भारत एल्यूमिनियम है, फिर वेदांता है, HUL है, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज हो गया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स हो गया, वाघ बकरी, CG फूड्स हो गया, सिप्ला लिमिटेड, मटेरियल्स एंड मटेरियल्स केमिकल एंड परफॉर्मेंस इंटरमीडियरीज प्राइवेट लिमिटेड, और जो कि इसके अलावा जो है सो एक सब्सिडियरी है Mitsubishi केमिकल कॉरपोरेशन का, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, गुजरात GHCL हो गया, गैस ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, और यूटिलिटीज एंड अदर्स, जैसे यूटिलिटीज में हो गया और अदर्स में शीला फोम हो गया, DHL लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी इसके क्लाइंट्स हैं। और चार्टरिंग सर्विसेज जो है सो ओवरसीज डेस्टिनेशंस, स्टीव डोरिंग सर्विसेज इंडियन पोर्ट्स पर, और कोस्टल मूवमेंट जो है सो कार्गो का पूरे इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है। ये स्पेशलाइज है, जिसमें कंबाइन है रेल और रेल का कंबाइन है रोड मूवमेंट्स के साथ, और जो कि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के थ्रू जो है सो स्पेशलाइज है कंबाइन करने में, और मैनेज और हैंडल करता है सप्लाई चेन का, चेन को, जिससे जो इंपोर्ट्स में इंक्रीज होता है, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन लेवल में अगर इंक्रीज होता है उसको सप्लाई चेन को हैंडल और मैनेज करती है, और लीडिंग मेटल्स के लिए भी जो सो प्रोडक्शन लेवल्स का ही प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन लेवल भी करती है, मैनेज करता है, रिसोर्स ग्रुप कंपनी को भी मैनेज करता है। 31st December 2022 के अकॉर्डिंग 1100 कस्टमर्स को सर्व कर चुका है, 1350 एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 1475.7 करोड़ का रेवेन्यू, 61.1 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 1637.8 करोड़ का रेवेन्यू, 71.5 करोड़ का प्रॉफिट है, 24 में 1691.4 करोड़ का रेवेन्यू, 80.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, स्टेबल ग्रोथ है गाइस, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट नहीं हुआ या फिर डाउन नहीं हुआ है, बल्कि स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो फ्यू मेजर क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा हेवीली रिलाय करता है, और इसलिए कोई भी अगर क्लाइंट से बिजनेस में कोई भी लॉस या रिडक्शन होता है तो बिजनेस रेवेन्यू इंपैक्ट कर सकता है। लॉजिस्टिक ऑपरेशन भी जो एक्सपोज हो सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन डिलेज, एक्सीडेंट्स, रेगुलेटरी चेंजेस वगैरह होता है, इसमें रिस्क है। अगर ये चेंज वगैरह होता है तो गाइस जो सर्विस डिलीवरी कर रहा है, कॉस्ट है, इसको अफेक्ट कर सकता है। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री भी इंडिया में हाईली कॉम्पिटेटिव है, जो कि चैलेंज फेस कर सकती है मार्केट पोजीशन को मेंटेन करने में, और अग्रेसिव कॉम्पिटिशन होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। वही अगर हम बात करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव का, तो इसका लोन है, इसका रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, कैपेक्स फंडिंग चाहती है, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल्स का परचेज करना चाहती है, 40 फीट स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स का और 20 फीट नॉर्मल शिपिंग कंटेनर्स का परचेज करना चाहती है, रिच स्टैकर्स का परचेज करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए IPO लाया गया। और ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये प्राइस बैंड जो रखा गया, रीजनेबल प्राइस रखा गया,
जबकि ऑन गोइंग एक्सपेंशन और इंफ्रा डेवलपमेंट्स जिस तरह से इसका जो मतलब कि लॉजिस्टिक्स में का कारण जो है ऑन गोइंग एक्सपेंशन इंफ्रा डेवलपमेंट्स हो रहा है, राइजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जिस तरह से हो रहा है, इसका डिमांड्स में राइज हो रहा है गाइस, इसको कंसिडर करेंगे तो ब्राइट प्रॉस्पेक्ट कंपनी फ्यूचर में इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो हम लोग वीडियो कहीं प्लान करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।